बेगूसराय में बस की ठोकर से बाइक सवार दो युवक की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना मुफसिल थाना के कंकोल गांव के पास की है। दोपहर में बस की ठोकर से बाइक सवार रिश्ते में साला बहनोई टिंकू यादव व पंकज यादव की मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने SH 55 को कंकोल के पास जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची DSP SDO के साथ भी लोगों ने धक्का मुक्की कर दी। लोगों ने बस में तोड़फोड़ भी की। बाद में भीड़ के उग्र होने के कारण पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए भीड़ को खदेड़ खदेड़ कर पीटा। हंगामे के बाद पुलिस व स्थानीय प्रशासन की ओर से आपदा विभाग के तहत दोनों मृतक परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजे दिए गए, जिसके बाद लोग शांत हुए। एक बस से जो है एक मोटरसाइकिल पर जा रहे दो लोगों का जो है धक्का लग गया था। उसी धक्का लगने के क्रम में दोनों लोगों की मृत्यु हो गई है। दोनों संजोग बस अपने साला बहनोई थे। एक कंकोल के रहने वाले थे, दूसरे जो है बीरपुर के मुरादपुर के रहने वाले थे। हम लोगों के द्वारा पोस्टमार्टम वगैरह कराने की तैयारी की जा रही है और इसको आपदा मानते हुए जो सरकारी व्यवस्था के तहत 4 लाख रुपया मुआवजा होता है उसको भी मृतक के आश्रित यानी उनकी दोनों जो दोनों लोग हैं उनकी पत्नियों को दिया गया। जिस वाहन से मैंने धक्का लगी थी उस वाहन का ड्राइवर पकड़ा गया? ड्राइवर तो अभी बता रहा था लोग कि मतलब ड्राइवर भी शायद पुलिस के कब्जे में है और उसके बाद जो भी FIR वगैरह होगा हम लोग करेंगे।